कार्रवाई की गई यहाँ पे। भाई आप ये बताइए ना, अभी तक वहाँ पे क्वारंटाइन नहीं किया गया किसी को, ना वहाँ पे सीज किया गया जहाँ पे कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। नहीं तो वहाँ पे जिस घर में सोरेंटो उसके टच में आया क्या, वो उस मोहल्ले को सीज किया गया क्या? और जो अस्पताल में वो मिलने आता था, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, चलिए वो बताइए, जो मरीज यहाँ पे भर्ती था उससे मिलने कोरोना पॉजिटिव मरीज आता था, नहीं आया है? अब वो मरीज का खुद कबूलनामा मेरे मोबाइल में, उसने खुद किया है कि मेरे से मिलने आता था। कब आया था? अभी कल परसों, कल तो वो इसको यहाँ किया है, कल तो रिपोर्ट ही आई है। उसको आपने कल शिफ्ट किया है? ये जो मरीज उससे मिलने आता था, डेली आता था खाना पानी देने। अरे आपका उसका रिलेटिव है, कल तो रिपोर्ट आई हुई है, मैं कैसे मुझे जान। तो उसके टच में तो डॉक्टर्स और नर्सें भी आई हैं। जो डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर और नर्स आए उसके टच में क्या उनको क्वारंटाइन किया गया है? जो भी आया हुआ होगा उनको देखने के लिए उनको किया जाएगा। आपके आप इस लापरवाही से कोई कई लोगों को संक्रमित हो सकते हैं। लापरवाही इसमें नहीं है, जो हमारा कार्य है हम अपना कार्य कर रहे हैं। नहीं, अगर आप सही तरीके से कार्य कर रहे होते तो हम लोगों को यहाँ आना क्यों पड़ता? हम अपना कार्य कर रहे हैं, आप लोगों को नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप अपना कार्य कर रहे हैं यहाँ के जो डॉक्टर। पहली बात तो आपको लेने का बिना उसका नहीं नहीं, मेरे को अधिकार होगा तभी आया होगा, आप मेरे को नहीं बताइए, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, जो ये नर्सें हैं इन लोगों ने सब टच किया उसको, इन सब उसी को टच किया? कोई पेशेंट आएगा उसका इलाज नहीं करेंगे? नहीं, इलाज करेंगे लेकिन टच किया, क्वारंटाइन नहीं किया गया उनको भी। क्वारंटाइन नहीं किया गया जिन जो डॉक्टर और नर्स टच में आए उसके, जिसके मरीज के, मरीज के टच में कोई स्टाफ नहीं हमारे। वो मरीज जो पॉजिटिव पाया गया डॉक्टर साहब, वो डेली मिलने आता था इस मरीज से। इस मरीज की क्या आपने सैंपल लिया कल? किसका? कल से आज तक में इस मरीज को, इस मरीज का जो ये एडमिट है अभी, इसका सैंपल आज तुरंत थोड़ी लेंगे। सैंपल लेने का एक प्रोटोकॉल होता है, उनके होम क्वारंटाइन, उनके परिवार वालों को सीज किया गया है, ये बता दीजिए। सातवें से आठवें दिन लिया जाता है, ठीक है? उनके परिवार वालों को कंटामिनेशन जोन करने का काम मेरा नहीं है, एसडीएम साहब का है। आप एसडीएम साहब से बात करिए इसके लिए, इसमें आपकी कोई जवाबदारी नहीं। मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेशेंट का ट्रीटमेंट करना और जाके उसको वो करना, ठीक है? कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करना, वो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हमारे द्वारा कर दी गई है, जैसे वो बाकी सभी को जो हमारा कार्य है उसका कार्य कर रहे हैं। नहीं, आपकी लापरवाही से अगर सबको संक्रमित होता है तो इसमें आप जवाबदारी, लापरवाही इसमें आप लोगों की भी है जवाबदारी। एसडीएम साहब की आप दे रहे हैं? नहीं, मैं जवाबदारी किसी के लिए नहीं दे रहा। आपने अभी बोला कि एसडीएम साहब की जवाबदारी, डॉक्टर साहब आपने अभी कहा कि एसडीएम साहब की जवाबदारी, आप उनसे बात कर लीजिए। सर इसमें ये बताइए, जो अभी जो किए इनके रिश्तेदार हैं सर, आप बयान आपको नहीं दे रहा मुझे पैसे, आप देख सकते हैं नागौर। आप हो अकेले? कितने लोग हो? दो लोग। जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया वो कौन है आपका, है ना? आपसे मिलने आते थे डेली, आपका संपर्क उनसे हुआ है ना? सैंपल आपका लिया गया अभी तक? आपको कब यहाँ पे लाया गया? अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम है अभी? क्या नाम लिखते हो आप? इसके पहले आप कहाँ थे? जनरल वार्ड में थे सबके साथ में। आज आपको शिफ्ट किया गया कल?
में जो मरीज यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उसे वो मरीज यहाँ हॉस्पिटल में भी देखने एक मरीज को आता था, तो उसे मतलब टच रिलेशन भी होंगे, टच भी किया होगा और पूरा स्वास्थ्य हमला भी टच किया होगा। ऐसी स्थिति में क्या व्यवस्था की गई आप लोगों के लिए और अस्पताल के लिए, और उस मरीज का क्या हुआ जो मरीज यहाँ एडमिट हुआ? मरीज यहाँ पे रखा गया है तो क्या इसका टेस्ट लिया गया क्या? इसका सैंपल नहीं है। जो मरीज कोरोना पॉजिटिव मिला है उसके टच में ये मरीज इसको देखने आता था।